बेटा देखो, अपन वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ के भी छोड़ रहे हैं, और डायरेक्टली ना अपन लोग 24th और 25th क्वेश्चन पे आ रहे हैं। तो पहले मैं 24th बताता हूँ करके, आप 25th खुद से करोगे। तो एक बार 24th को पहले अपने मन में पढ़ लो आप लोग प्लीज क्वेश्चन को। तो क्या यहाँ पे ना दो अलग अलग सिचुएशन है। पहले 10 सेकेंड के लिए आप लोग कर रहे हो एक्सलरेट, ठीक है, फिर उसके बाद में फॉर नेक्स्ट वॉट एवर सेकेंड 6 सेकेंड्स के लिए आप कर रहे हो डिसलरेट, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। आपको टोटल डिस्टेंस बताना है। अब देखो, जो आपका वी इज इक्वल यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 2 AS इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर वाली पूरी इक्वेशन जो थी वो कब लगती थी? अगर एक्सलरेशन कॉन्स्टेंट रहे तो। बट यहाँ पर तो एक्सलरेशन कॉन्स्टेंट नहीं है, तो इसको अपने को दो अलग अलग सिचुएशन में ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहले देखो, जब मैं कर रहा हूँ फॉर फर्स्ट 10 सेकेंड्स, करेक्ट, ठीक है, तो टी तो 10 सेकेंड्स हो चुका है। इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट बोला हुआ है मुझे, एंड अटेन्स अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, मतलब वी इज इक्वल 54 × 5/18, मतलब 15 मीटर पर सेकेंड हो गया होगा। यहाँ तक ठीक है, लिखो मत, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, लक्ष्य रुक जाओ, ये हो गया है। यहाँ तक कोई इशू है? यहाँ का एक्सलरेशन अगर मुझे निकालना है तो मैं निकाल सकता हूँ, यहाँ का डिस्प्लेसमेंट अगर मुझे निकालना है मैं निकाल सकता हूँ। मुझे आइडिया नहीं है, मैं मान लेता हूँ कुछ 100 मीटर हो रहा है एग्जाम्पल का, मुझे कोई आइडिया नहीं है। अब देखो, आफ्टर 10 सेकेंड्स की बात कर रहा हूँ, अब 6 सेकेंड की और जर्नी बची है मेरी, करेक्ट, तो अब के लिए जर्नी मेरी 6 सेकेंड की है। बट अब इस समय जब आफ्टर 10 सेकेंड्स की बात कर रहा हूँ, अब इस समय के लिए मेरी इनिशियल वेलोसिटी इसके फाइनल वेलोसिटी जितनी होगी? मेरे को और क्या दिया गया है? नेगेटिव एक्सलरेशन या वी इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है मुझे, इनफैक्ट एक्सलरेशन -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी दिया गया। ये नहीं भी देता ना अगर तो भी चलता था, मुझे मान लो ये नहीं दिया हुआ है। मैं यहाँ से ए निकाल सकता हूँ, करेक्ट, यहाँ से मैं एस भी निकाल सकता हूँ, मान लो 50 मीटर्स आ रहे हैं, मान लो बोल रहा हूँ, ठीक है, तो ये 100 प्लस ये 50 मिला के कुछ 150 हो जाएगा। तू देख कैसे माइनस करेगा बेटा, बेटा एक्सेलरेशन थोड़ी नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट थोड़ी नेगेटिव हो रहा है तेरा। एक्सेलरेशन नेगेटिव होना मतलब ब्रेक मारी थी तेरी 100 की स्पीड, तूने ब्रेक मारना शुरू किया तो ब्रेक मारते तू रिवर्स थोड़ी जाती है, ब्रेक मारते स्पीड कम होती है, तू आगे 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 ही बढ़ती है ना बेटा। जब तेरी वेलोसिटी नेगेटिव अगर है तब तो रिवर्स हो जा रही है, यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव नहीं हो रही, एक्सेलरेशन नेगेटिव है मतलब तेरी स्पीड कम हो जा रही है, ठीक है, ये समझा ये चीज़ क्या हुई है गाइस? yes, हाँ, अब आप लोग एक बार 25th पहले ट्राई करोगे। क्या बच्चा? नहीं, 24th नहीं करना है आप लोगों को, अब 25th पहले ट्राई करोगे फट से। मैंने रैंडमली लिया है बेटा ये डेटा, मैंने ये 100 कुछ रैंडमली मान लिया है, यहाँ पे भी ये मान लिया है रैंडमली, यहाँ का इनिशियल वेलोसिटी यहाँ की फाइनल वेलोसिटी जितनी होने वाली है, ठीक है ना। हाँ हो गया, अच्छा हो रहा, चल इतना सा पेपर में हो गया, अच्छा एमसीक्यू ज़्यादा थे क्या? चल ठीक है, जमा है वैसे अकॉर्डिंग टू यू? नहीं, पेपर हार्ड था वो, ठीक है, मुझे पता नहीं यार, मेरे को तो भाई बिल्कुल आइडिया नहीं था, बट जो पढ़ के आई थी वो जमे तेरे को चीज़ें, जो पढ़ के आई थी, जो नहीं जमे उसी से थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो बिफोर नेक्स्ट वर्ड्स का, एंड अभी तो आज चलो ठीक है, अच्छा ऐसा कुछ होना,
नेक्स्ट है तेरे को साइंस का, केमिस्ट्री का फुल कोर्स है, फिजिक्स का फुल कोर्स? फिजिक्स का कब? हाँ वेंसडे ना, तो एक बार मुझे हाई भेज के रखो व्हाट्सएप पे, तो मैं पेपर बनाने का प्रिपरेशन शुरू कर लूँगा मेरा, ठीक है? फिर फ्राइडे के आसपास नहीं वो कर मुझे तभी, सकते? हाँ अपन वो कर लेंगे डिस्कस वो जब वेंसडे का, ठीक है? चल भाई बच्चा, मुझे एक व्हाट्सएप पे हाई ड्रॉप करके रखना है, मैं भूल जाऊँगा पक्का से। एक मिनट, एक सॉरी। हाँ बेटा बोलो। सॉरी फ्रैक्शन में छोड़ सकते हो अभी, राधे तो फ्रैक्शन में छोड़ देगी, तेरे को जरूरत ही नहीं एक्सेलरेशन की। तेरे को उसने पूछा, अच्छा नहीं कैलकुलेट एक्सेलरेशन बोथ केसेस बोला है, फाइनल जब तू लिखते रहेगा ना हेंस एक्सेलरेशन, अगर मान ले 1/5 आता है तब उसको कन्वर्ट कर लेना, ठीक है? तो एक बार ला ले आंसर, मुझे पता नहीं इसका। दोनों सिचुएशन में एक्सेलरेशन भी निकालना है, दोनों सिचुएशन का डिस्टेंसेस निकाल के ऐड करना है तेरे को, टोटल डिस्टेंस पूछे ना बच्चा। एक्सेलरेशन को ऐड नहीं करना पड़ता है, सॉरी नहीं मेरे को आंसर पता नहीं है बच्चा। कई लास्ट 2 मिनट्स, शांति जब सोल्यूशन होगा तब बताए। पहले वाले का तूने एक्सेलरेशन निकाल दिया है, उत्ते का डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया है, डिस्प्लेसमेंट निकाल दे एक बार के लिए। वो अपन डिस्कस करेंगे बाद में। गाइस हो गया है, डिस्टेंस निकल गया। यहाँ की फाइनल वेलोसिटी जो थी ना बच्चा तेरी, वो नेक्स्ट केस के लिए तेरी इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी। तो देखो अभी यू पता है वहाँ के लिए, देखो उसने टाइम भी दिया हुआ है 50 सेकेंड, और देखो फाइनल वेलोसिटी 0 दी हुई है, तब वहाँ से ए निकाल ले और वहाँ से डिस्प्लेसमेंट भी निकाल ले। अब किया है बेटा, किया है। आई थिंक ऐसा सम तुम्हारे को एनसीईआरटी में भी है एक, नॉट श्योर आई सपोज, बट बोल बेटा।
टी तेरा 10 था ना बेटा, अन एफ 25 सॉरी। इसको सॉल्व करना तो ये काटना, अब ये काटना कटना है फिर वो आंसर आना। हाँ तो वो तेरा डिस्टेंस यहाँ का हो गया है। अब यहाँ के लिए यू तेरा 10 हो रहा है, ये ठीक है, ये ठीक है। ए तेरा -1/5 हो रहा है, तेरी वो गलती हुई है, +1/5 नहीं है वो, -1/5 है, उससे डिस्प्लेसमेंट वापस से निकाल। और ये काट के तेरा 125 जो हो रहा है उसको वो कर ले बेटा। गाइस हो गया है, हाँ अच्छा, गिविंग यू 2 मिनट्स। जिनका अगर हो गया है वो 24th करना स्टार्ट कर सकते हैं खुद के प्रैक्टिस के लिए। हाँ जिनका हो गया है वो 24th करना स्टार्ट कर सकते हैं खुद के लिए, ठीक है ना। मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, बट 2 मिनट में फट करना है, कर लो। क्या अच्छा डिस्टेंस आपको मीटर में कोट करना पड़ता है हमेशा। सॉरी नहीं, वैसे वो डेटा नहीं दिया हुआ है, मान ले। कौन सा क्वेश्चन है? 24th ना करेंगे थोड़ी सॉल्व। डिस्प्लेसमेंट नहीं आ सकता है। हाँ हो सकता है, मेरे को वो नहीं पता, पर नेगेटिव नहीं आएगा वो पता है मुझे। नेगेटिव कैसे आ रहा है 250? क्या सॉरी क्या? अबे नेगेटिव आ रहा है तो यार तूने गलत किया है, उसको पॉजिटिव बस मन से मत कर मेरे भाई। चलो अब देखते हैं गाइस, एक बार के लिए प्लीज ये 25th वाला पहले देख लीजिए, फिर 24th वाला करने का टाइम दे दूंगा सबको मैं, बट पहले एक बार ये देख लो। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अनिल पेडल्स और अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 10 इन 25 सेकेंड्स, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ से एक्सेलरेशन निकाला होगा, तो वो वी माइनस यू अपॉन टी से निकालो, कोई भी निकालना, 2/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। मैं भी डेसिमल में नहीं कर रहा हूँ, मैंने एस निकाला, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो 0t तो हट गया मेरा, हाफ ए टी का स्क्वायर, ये कटा, ये 1 था, ये 5 था, आंसर हो गया 125 meters। अब सेकेंड वाले के लिए मेरी इनिशियल वेलोसिटी इसके बराबर हो जाएगी 10 meter per second, ब्रेक सर अप्लाइड और रुक जाता है, टाइम दिया हुआ है 50 सेकेंड, एक्सेलरेशन वही वी माइनस यू अपॉन टी, तो -1/5 meter per second square आ रही होगी। मेरा डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ठीक है। ये तो 500 हो रहा है, 5 2 10 और एक ये 0 कट गए, -250, तो 500 - 250 हो गया 250 meters। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया है मेरा? 375। पहले वाले केस में एक्सेलरेशन था 0.4 meter per second square और दूसरे वाले में था -0.2 meter per second square, ठीक है। अब जिन लोगों का 25th हो गया था वो तो ठीक है, वो लोग 24th अटेम्प्ट करेंगे, जिनका नहीं हुआ था भाई 25th ठीक करेंगे फिर 24th अटेम्प्ट करेंगे। एक संख्या, ये क्वेश्चन इतना दिया हुआ है, फाइन। आप लोगों को सिर्फ डिस्टेंस निकालना है। 23rd के लिए मैं सोल्यूशन दिखाते, मैं देख के दूंगा सही है नहीं है। U0A3S35 खत्म। हाँ वो मैं कोई तो ना सोल्यूशन दिखा देना, मैं बता दूंगा कैलकुलेशन सही नहीं है। गाइस ये 24th क्वेश्चन के लिए आप लोगों को 3 मिनट ही मिल रहा है बस। वी सही है बेटा तेरा, तेरा एस और फाइव ना बहुत कुछ एक जैसा दिखता है, थोड़ा ध्यान रख बेटा उसका। वो देख 35 × 105 तक के अपॉन 2 तक के सही है, उसके आगे का कैलकुलेशन देख रहा हूँ बस मैं।
सही है, हीर पास लड़ा। तुम्हारा ग्रुप पे टाइमिंग क्या आया था, कब से कब तक का फिजिक्स है? 12:45 तक। हाँ वही, तुम लोगों के अब देखो जैसे ये चैप्टर में थोड़ा टाइम लगा था तुमको फिजिक्स के, इसमें नेक्स्ट चैप्टर से कंपेरेटिवली कम लगेगा। प्लस नेक्स्ट चैप्टर पर जहाँ पे डेरिवेशन आएंगे, तुमको डेरिवेशन समझाए जाएंगे, लिख के दिखाया जाएगा, फिर तुम लोगों को करने बोला जाएगा। तो प्लीज़ तुम लोगों से रिक्वेस्ट है, सेशंस मिस मत करना कुछ भी हो जाए। एंड फ्रॉम मंडे दैट इज टुमारो, अपना क्या सेशन का टाइमिंग हुआ था? 6 to 7:30 हुआ था, ठीक है ना? तो तुम्हारा 6 to 6:30, 6:40 तक जो भी ऐसा है, पहले आप लोगों का ये होगा फिजिक्स, फिर आप लोगों का मैथ्स होगा, और हो सकता है कभी 6 to 8 वाला भी रहे, तो टाइमिंग्स चेक करके आना है। क्या बोला? चले गाइस बड़े आगे, वो वीडियो भेजा था एक को, देखा था बच्चा दोनों। कल छुट्टी मार रहे हो ना? हाँ, तो मुझसे आज ही टाइमिंग सेट करवा के जाना चाहिए। चलो गाइस 24th वाला देखते हैं, हो गया क्या? कोई अटेम्प्ट कर रहा है तो मुझे बोला, मैं रुक जाऊंगा यार 24th। यस आई एम वेटिंग। हाँ बेटा, ऑफलाइन ऑफलाइन मेरे पास आना, मेरे साथ चेक कराना, क्योंकि नहीं 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 मेरे पास आना पेपर लेके, मेरे पास चेक करवाना, फॉर द रीज़न जब तुम चेक करवाओगे तो 80 में से 80 आ गया तो अलग बात है, बट अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन गलत होता है तो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और उसके बाद में मुझे तुम्हें उसके साथ में वो भी देना पड़ेगा। हाँ, ये इंजेक्शन ले जाइए क्या? इंजेक्शन है सिद्धर। हाँ बेटा, आई ए डाउट इफ ब्रेक्स आर अप्लाइड ये इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन इफ इट टेक्स 2 seconds, कैसे हो सकता है डिस्टेंस नेगेटिव यार? तो ठीक करो उसको गाइस। चलो अभी ए शांत बेटा, मैं 24th सॉल्व कर रहा हूँ, जो अपना खुद तक कर रहे हैं वो करते रहिए, उसके बाद में आप जब देखोगे मैच नहीं होगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपस से। फ्रॉम अ स्टेशन एक्स द ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड अटेन्स अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, 54 × 5/18 किया मैंने तो आंसर आई थिंक 15 meters per second है इन 10 seconds। जैसे एक्सलरेशन आई थिंक 15/10 या 3/2 कुछ आ रहा होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर किया, यू टी तो जीरो हो जाएगा, हाफ ए टी का स्क्वायर, ठीक है ना, टी का स्क्वायर है 10 × 10 लिख देता हूँ स्क्वायर, तो ये वन ज़ा फाइव 75 meters पहला वाले का हो रहा है। अब दूसरे सिचुएशन में इनिशियल वेलोसिटी मेरी 15 हो चुकी होगी, ब्रेक्स को अप्लाई किया है और रुक गई है गाड़ी इन टाइम 6 seconds। देखो अब एक्सलरेशन अगर मुझे निकालना है पहले, तो v माइनस यू अपॉन टी से निकाल सकता था मैं, तो 0 − 15/6 मतलब −15/6 मतलब −3/2 मतलब नहीं −5/2 −2.5 meters per second square वैसे हो रहा है। मैं सिर्फ ये इसलिए डेसिमल में निकाला हूँ, ये देखो यहाँ पे वही दिया गया था तुम लोगों को, जो डेटा अगर तुम लोगों को नहीं भी दिया गया है तो भी तुम निकाल सकते हो ये वाला, तो इसको तो वैसे तो मैं −5/2 में ही छोड़ने वाला हूँ। अब मैंने डिस्प्लेसमेंट निकाला है, एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर 6 × 6, ठीक है, 1 ज़ा 3 ज़ा 1 ज़ा 3 ज़ा 90 − 9 5 ज़ा 45, आंसर ये 45 मीटर्स हो रहा है। टोटल मिला के आप लोगों का 120 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है। फेयर इनफ है?
नहीं कुछ गलत किया है या मैंने कुछ गलत किया? 9545 नहीं मेरा सही है। क्या गलत किया ढूंढ एक बार के लिए, देखती है तो बता। पहले वाला भी गलत था, एक समझा तू कौन सा वाला दिखाई बच्चों ने 24th। तेरा एक्सलरेशन कितना आया है? 3/5 आया है ना, वो गलत है तेरा एक्सलरेशन ही गलत है तेरा बेटा। तूने देख 5 से ऊपर काटी है, नीचे तूने हाँ तो वहीं से पूरा ही गलत है, तो वो तो गलत हो ही जाएगा तेरा पूरा। हाँ दूसरा वाला पार्ट ना टी 50 सेकंड थोड़ी है भाई मेरे, 25th है 24th है 24th है ना। हाँ बोलता पैसा ऐसा बना लिया कर मैं बनाता हूँ। सुन 90 - 25 × 9 वैसे वो भी गलत, 25/5 × 9 अगर है तो यहाँ का और यहाँ का नहीं कटेगा वो माइनस, तो ये ऊपर नीचे कटेगा ठीक है, तो वो 45 उससे हो जाएगा। वो भी चलेगा, देखो गाइस आप डेसिमल में लो या फ्रैक्शन में लो, और उसमें भी जैसे मैंने तो क्या फ्रैक्शन में था -5/2 शायद से ठीक है, अगर आप लोग उसे -5 crore / 2 crore भी लेते हो सिंपलेस्ट फॉर्मेट में नहीं ले रहे इसका मतलब, तो भी एट द एंड आंसर सेम आना है। मैं डेसिमल से फ्रैक्शन में इसलिए प्रेफर करता हूँ, मुझे डेसिमल कैलकुलेशन नहीं पसंद है, नहीं जमते मुझे जल्दी, तो मैं फ्रैक्शन में करता हूँ। कई बच्चे को फ्रैक्शन देते तो डेसिमल में करते हैं, बट उसमें क्या होता है जो ऐसा रहता है मान लो 3/7 था तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेगा तो 2 decimal तक लेगा, फिर आगे × 7 अगर आएगा तो तेरा एग्जैक्टली 3 आंसर नहीं होगा, 3/7 × 7 तो 3 होना चाहिए था। तो देख फॉर एग्जाम्पल तुमने 3/7 किया ठीक है, और आगे × 7 भी है, तो पहले तूने इसकी वैल्यू अगर निकाला है तो 0.42 तूने बस इतना ले लिया, आगे लिया ही नहीं, तो 0.42 × 7 लिख दिया तूने। अब सॉल्व करेगा तो 14 + 1 = 28, 29 तो 2.94 हो जाएगा, जबकि एक्चुअल में ये और ये कट के तो आंसर 3 आना चाहिए था। तो डेसिमल में अगर तो अप्रोक्सीमेशन लेता है तो फाइनल आंसर में अप्रोक्सीमेशन आना शुरू होता है, इसीलिए मैं तो वैसे भी डेसिमल में लाता नहीं था अगर वो 3/2 जैसा क्यूट नहीं है कि एग्जैक्ट 1.5 यानी टर्मिनेटिंग आंसर ना आ रहा ठीक है, इसलिए फ्रैक्शन से मैं ले लेता हूँ। आखिरी में जब आंसर कोट करना है तब मैं उसे भले डेसिमल 2 decimal तक छोड़ दूँ ठीक है। चलिए गाइस ये हो गया सबका, चलो नेक्स्ट अब अपन लोग बढ़ रहे हैं बेटा ग्राफ पे। अब बच्चा लोग ये ग्राफ का जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो करने के पहले कुछ चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। आपको दो तरीके के ग्राफ्स है वैसे, एक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ठीक है। अभी हम लोग पहले सॉल्विंग सीख रहे हैं, इंटरप्रिटेशन अपन धीरे धीरे करके सीखेंगे। आप लोगों को वेलोसिटी टाइम ग्राफ या तो ये स्ट्रेट लाइन देनी चाहिए, ऐसी स्ट्रेट लाइन देनी चाहिए या ऐसी स्ट्रेट लाइन देनी चाहिए ठीक है ना, आप लोगों को ये ऐसी 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 नहीं देना चाहिए उन लोगों ने। तो पहले अगर मान लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा कुछ है जहाँ पर ये वेलोसिटी है ये टाइम है, सबसे पहले चीज़ चेक ये करना अगर न्यूमेरिकली कुछ सॉल्व करना है अपने को तो ये ऐसा यूनिट में और ये ऐसा यूनिट में है या नहीं है। अगर मान लो नहीं है ये किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है और ये आप लोगों को 18 दिया हुआ रहता तो जब नया ग्राफ बनाओगे तो 18 × 5/18 करके इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना, ये मिनट्स में दिया हुआ है तो × 60 करके सेकंड में कन्वर्ट कर लेना। तो अभी के लिए मान लो ये ऐसा यूनिट्स में है हमारे, ये इसका मतलब क्या हो रहा है वेलोसिटी एक ही रेट से बढ़े जा रही है, मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। इसी जगह पे अगर ये ऐसा है वेलोसिटी एक ही रेट से घटे जा रही है, मतलब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बट नेगेटिव है जो कि रिटार्डेशन या डिसलरेशन है। अगर ये ऐसा है वेलोसिटी एक ही है वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे नहीं है गाइस, ऑब्जेक्ट एक ही स्पीड से चल रहा है मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म मोशन है ये ठीक है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है ये ठीक है ना, लीनियर मोशन इसीलिए है। वैसे मैं तुझे बता रहा हूँ कि मैं वेलोसिटी बोल रहा हूँ तो डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है ठीक है। अब सुनो यही अगर मैंने ऐसे ऐसे ऐसा कुछ बना दिया तो वेलोसिटी बढ़ रही है थोड़ी सी यहाँ तक एकदम बढ़ी फिर घट गई फिर बढ़ी फिर घट गई, ऐसा कुछ रैंडम हो रहा है पर ये अपने ग्राफ नहीं है। यही चीज़ अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट टाइम की बात करूँगा तो ये ऐसा किया है तो डिस्प्लेसमेंट एक ही रेट से बढ़ रहा है मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है तभी तो आप आगे बढ़ रहे होगे ना ठीक है ना, वेलोसिटी क्या आपकी पॉजिटिव है बट वेलोसिटी कांस्टेंट है
तो एक्सेलरेशन जीरो हो रहा है। यही अगर मान लो ऐसा है तो आप रिवर्स आ रहे होगे, तभी तो डिस्प्लेसमेंट कम हुए जा रहा है, मतलब आपका वेलोसिटी नेगेटिव है, एक ही रेट से पीछे आ रहे हो, तो एक ही वेलोसिटी है, वेलोसिटी अगर एक ही है भले ही नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन अगेन जीरो है, बट अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा है, डिस्प्लेसमेंट चेंज ही नहीं हो रहा है, मतलब क्या हो जाएगा इससे, डिस्प्लेसमेंट अगर चेंज नहीं हो तो ऑब्जेक्ट अब रेस्ट पे। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को कोई इशू किसी को? देखो ये तो डिस्प्लेसमेंट होता था, अगर ये डिस्टेंस बोलता ना मैं तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, डिस्टेंस कभी कम नहीं हो सकता है आपका, डिस्टेंस भले आप पीछे भी आओ डिस्टेंस बढ़ता ही था हमारा, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। हाँ पॉजिटिव है, और वो क्योंकि देखना तेरा एक ही रेट से डिस्टेंस बढ़े जा रहा है, तू हर एक सेकेंड में अगर 5 मीटर कवर कर रही है हर एक सेकेंड में, तो तेरी वेलोसिटी तो सेम ही रहेगी ना, अगर वेलोसिटी बढ़ते रहती तो हर सेकेंड तेरा डिस्टेंस कवरिंग बढ़ता था, तो तेरा जो पॉजिटिव एक्सेलरेशन वाला केस है वो कुछ ऐसा वाला होगा। क्या बेटा क्या होगा ये वाला? ये डिस्टेंस भी हो सकता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दोनों में हो सकता है, डिस्टेंस वही दिखा रहा है या डिस्प्लेसमेंट वही दिखा रहा है, मतलब एट द एंड तू रुका हुआ है। ठीक है ना, तो वेलोसिटी जीरो है, फाइन। ये तो आप लोगों को ग्राफ इंटरप्रिटेशन बेसिक वाला बताया है मैंने, अब देखो और भी छोटा सा ग्राफ इंटरप्रिटेशन बेसिक बताता हूँ। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है बेटा। ये यहाँ पे कुछ 5 सेकंड बाद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड अगर है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ऑब्जेक्ट कहते मिले हो गए, तो नहीं, इसका मतलब ये नहीं हो रहा है। 5 सेकंड बाद दोनों की स्पीड सेम हुई होगी, हो सकता है एक बंदा अकोला पहुंच गया और दूसरा बंदा दिल्ली पहुंच गया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हो गया? मैं वहां देखा बच्चों को, ये समझा क्या हुआ है? यहां पे दोनों की स्पीड सेम हुई है, पर अगर यही मेरा डिस्प्लेसमेंट होता तो अब ये दोनों इस मोमेंट में कोलाइड हुए हैं या आजू बाजू एग्जैक्टली आए, कि दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम हुआ है। समझा ये चीज क्या हुआ है? देखो ये बंदा भले ही नागपुर से शुरू किया होगा, ये बंदा भले ही कामठी से शुरू किया होगा, पर दोनों ही दोनों जाके अकोला में मिल रहे हैं। ठीक है ना, समझा ये चीज़? अलग अलग जगह से भले ही शुरू किए हो बट मिल एक ही जगह पर रहे आफ्टर 5 सेकेंड। हाँ, एस यानी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कुछ भी मान सकते हो अगर पॉजिटिव में ही आप लोगों को। ठीक है ना, आपको ग्राफ में वो ऐसे वो नहीं करेगा, आपको परेशानी नहीं, डिस्टेंस बोला डिस्प्लेसमेंट। हाँ यस, ठीक है, कोई इशू है इसमें? पक्का बढ़ाऊँ थोड़ा सा और आगे गाड़ी? अब देखो ये तो अपने को बेसिक इंटरप्रिटेशन वाला है, जबकि MCQ वगैरह में हो सकते हैं या केस स्टडी बेस्ड में हो सकते हैं। अब न्यूमेरिकल देखो बेटा, न्यूमेरिकल समझने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर फ्यू थिंग्स। तो देखो मैंने ना इसी साल एक ट्रिक बनाई थी, क्या? हाँ वही, परफेक्ट। ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखो अगर आप लोग आगे बढ़ें, देखो SVA ऐसे लिखने की जगह ऐसे बोल देता हूँ, SVA, अगर लाइफ में अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो स्लोप निकालो। क्या बोल रहा हूँ मैं? स्लोप निकालो अगर लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, और पीछे जाना चाहते हो तो एरिया निकालो। सब मतलब क्या है? ये एंड टाइम से अगर वेलोसिटी पे पहुँचना है तो क्या निकाल दूंगा? स्लोप। वेलोसिटी एंड टाइम से अगर एक्सेलरेशन पे पहुँचना है तो क्या? स्लोप। बट एक्सेलरेशन एंड टाइम ग्राफ से अगर वेलोसिटी निकालनी है तो एरिया, वेलोसिटी एंड टाइम से अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट में पहुंचना है तो अगेन एरिया। ठीक है, ये रैंडम सा है, इसका कोई सेंस नहीं है, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो स्लोप निकालो, बट वो वैसा याद रख लो। ठीक है ना, कोई इशू इसमें? अब देखो आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन पहले करके दिखा रहा हूँ, देखो टाइम मेरा सेकेंड्स में है, वेलोसिटी मेरी किलो मीटर पर सेकेंड में है, तो इसलिए कोई इशू आने नहीं वाला है। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू थे किसी को? ये मान लो A B C D E,
बस ऐसे ही ग्राफ देख के मुझे बताओ कहाँ का एक्सलरेशन जीरो होने वाला है, सी टू डी, वहां पे वेलोसिटी मेरी सेम रहने वाली है, कहाँ का एक्सलरेशन मेरा निगेटिव रहने वाला है, डी टू ई, ठीक है, वहां पे वेलोसिटी कम हुए जा रही है, कहाँ का एक्सलरेशन पॉजिटिव रहने वाले है, ए टू बी का भी पॉजिटिव और बी टू सी का भी पॉजिटिव, ठीक है। अब मुझे बताओ ए टू बी एंड बी टू सी में कहाँ का एक्सलरेशन ज्यादा रहने वाला है, ए टू बी, जिसका स्लोप ज्यादा है ना, जिसकी चढ़ाव ज्यादा वहां पे एक्सलरेशन ज्यादा, तो ए टू बी का देखो स्लोप ज्यादा दिख रहा है तो वहां का एक्सलरेशन ज्यादा होगा, ये तो बस ओरली देख के बता दिया, बट चलो पहले अपन हर जगह का एक्सलरेशन हम निकालते हैं। सॉरी आप ये मत सोचो हाइट क्या है, चढ़ाव किसी ज्यादा है, स्लोप किसी ज्यादा है, तेरे को अगर मैं बोलूंगा साइकिल यहाँ पे चला और यहाँ पे चला तो तेरे लिए कौन सा ज्यादा डिफिकल्ट होगा, ए टू बी वाला, तो ए टू बी का स्लोप ज्यादा हो रहा है, ठीक है। अब देखो अपन एक एक पॉइंट का पहले क्या निकाल रहे हैं, एक एक पॉइंट ए टू बी का एक्सलेशन, बी टू सी का, सी टू डी का और डी टू ई का। देखो पहले ए टू बी स्लोप निकालना पड़ेगा, स्लोप का फॉर्मूला प्लीज हम ध्यान रखेंगे, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ये एग्जैक्ट चीज़ आप लोगों को 11th में बहुत काम में आएगी, अगर आप मैथ्स लेते हो, कोर लो या अप्लाइड लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो पहले सबके कोऑर्डिनेट्स लिख देगा बेटा अपन लोग, ये 0, 0, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पहले एक्स वाला है ना 2, फिर 15, ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक्सेलरेशन ए टू बी वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, 15/2 मतलब 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, ठीक है। नेक्स्ट एक्सेलरेशन बी से सी का वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, 5/2 मतलब 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। सी से डी का वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, 0, अपने को पहले से पता था 0 आने वाला है क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट थी। वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, -20/2 मतलब -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कोई इशू इसमें, हाँ ए ना एक्सलरेशन लिख रहा हूँ बेटा मैं, एक्सलरेशन ए बी का वैसा लिख रहा था मैं, ठीक है ना, समझे चीज क्या हुई है। अब देखो अब मुझे अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मुझे एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ए बी, बट देखो ए से बी मेरा ट्राइंगल बन रहा है तो वो क्या हो जाएगा, एरिया हाफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा, हाफ बेस हो गया 2, हाइट हो गया कितना 15, सॉरी हाफ, सॉरी सॉरी बैठ, बेस इंटू 15, आंसर 15 मीटर हो गया है मेरा। अब प्लीज़ बेटा अब थोड़े बड़े हो जाओ, प्लीज़ ट्रेपेज़ियम का फॉर्मूला याद रखो, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ठीक है ना, नॉट डैट ये लाइफ में बहुत काम में आने वाला है, बट वो बच्चों समान ट्राइंगल में और रेक्टेंगल में कन्वर्ट मत करो, ट्रेपेज़ियम का एरिया होता है, जिनको नहीं याद है वो लिख लेंगे, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो देखो ये बी से सी मतलब देखो ये ट्रेपेजियम बन रहा है, इसमें ये और ये पैरेलल साइड्स है, तो ये लेंथ प्लस ये लेंथ और हाइट ये हो जाएगी हमारी, ठीक है, तो ये देखो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, और एस सी से डी, सर ये रेक्टेंगल बन रहा है मेरा, ठीक है, रेक्टेंगल क्या हो जाएगा मेरा, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ है 20, ब्रेथ है 2, आंसर हो गया मेरा 40 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट डी टू ई हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है, हाफ बेस है 2, हाइट है 20, आंसर हो जाएगा 20 मीटर। अगर आप मुझसे ए से डी का डिस्टेंस मांग लेते तो मल्टीपल फिगर्स में ब्रेक करके सबको ऐड कर दिया होता, तो ए से डी के लिए 15 + 45 + 35 + 40 90 मीटर हो गया था मेरा, समझे चीज़ें क्या हुई है, पक्का बोलो। ये बेस डी टू ई, और ये हाइट, समझा, हाँ या नहीं,
नहीं समझा है तो हाँ क्यों बोल रही बेटा, ये देखना तू, ये 6 था ये 8 था, टोटल यहाँ पे डिस्टेंस 2 हो रहा है, ठीक है। चलिए गाइस, ये समझ में अगर आ गया है तो सिंपलर वाले ही दे रहा हूँ, ऐसा अजीब सा वाला। हाँ बेटा बोलो। कोई बात नहीं है बेटा, देखो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि बाद वाले को एक्स टू वाई टू और पहले वाले को एक्स वन वाई वन मानना है। जब मैं यहाँ से यहाँ का निकाल रहा हूँ तो ये मेरा एक्स टू वाई टू, ये मेरा एक्स वन वाई वन होगा, तो भी सेम ही आंसर आने वाला है। इट विल नॉट गिव यू सम डिफरेंट आंसर, ठीक है ना। अब गाइस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बना भी लीजिएगा ग्राफ को। अगेन देखो, मैंने ना थोड़ी लाइफ इजी रखने के लिए आप लोगों की डेटा अभी भी एसआई यूनिट में ही दे रहा हूं मैं। आप मुझे एक्सलरेशन ए से बी, एक्सलरेशन सी से डी, ये दो चीज़ें निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट ए से बी एंड डिस्प्लेसमेंट बी से डी, ये निकाल के दोगे मुझे। कोऑर्डिनेट्स, हाँ हाँ चल जाएगा, बट इट हेल्प्स। फ्रैक्शन में छोड़ सकते हो अभी के आंसर आप। हाँ अजीब अजीब आंसर आए आप लोगों के। ये तुमने डायग्राम वाला बनाया बेटा, ठीक। हाँ तो पता है ना, हाँ हाफ बी वन प्लस बी टू एच। नहीं पूछा हुआ था, नहीं पहले एकदम स्पीड बढ़ी है, फिर स्पीड कॉन्स्टेंट इफेक्ट घट रही है, एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट नहीं आएगा इसमें। पर तेरा जर्नी तो ऐसा है ना, जहाँ पे तुमने पहले बढ़ाई है स्पीड, फिर घट, फिर सेम रखी है, फिर घटाई है। बी टू डी ट्रपेजियम बन रहा है आप लोगों का। आप या तो उसे एक रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल में ब्रेक करना है कर सकते हो, बट अब वो थोड़े आगे बढ़ो लाइफ में उससे।
टू बी अगर निकालें तो यस बी को नीचे ड्रॉप हो जाएगा। हाँ हाँ यस। सिंपलेस्ट फॉर्मेट में जरूर कीजिएगा बेटा प्लीज आंसर्स अपने 25/28, 25, 20। हाँ फ्रैक्शंस को ही आप लोग सिंपलेस्ट फॉर्मेट में करना है, डेसिमल में भले ही मत करो। हाँ बी टू डी बी ट्रेपेजियम यस। बेटा देखो तुम लोगों को एक जस्ट बता रहा हूँ मैं, ये जो ट्रेपेजियम जो है ये वाला अभी के लिए राइट साइड वाला भी ट्रेपेजियम है, अगर ये दो पैरेलल साइड्स हो रही है तो उसके बीच का डिस्टेंस ये वाला हो जाएगा ऐसा, ठीक है। लास्ट थ्री मिनट्स गाइस, मे बी अ लिटिल टू मच टाइम गिवन बट स्टिल थ्री मिनट्स, बातें मत कीजिएगा खुद से कीजिएगा और छापिएगा मत एक दूसरे का। हाँ ए टू बी यस ट्रेपेजियम यस। हाँ नहीं बट मैं फ्री नहीं हूँ, मेरे को सानवी का भी है उनका भी। हाँ 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 कल ए टू बी वाले में ना, देख तेरे को ऐसा कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा तेरा ट्रेपेजियम। अब तू खुद ढूंढ पैरेलल साइड्स कौन से दो रहे, ये और ये रहेगा ना बेटा ऐसे पैरेलल साइड्स, ये थोड़ी पैरेलल हो रहे है ठीक है। टेन प्लस ट्वेंटी ना यार, बेटा हाइट का मतलब होता है दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस, ठीक है ना। हाँ बेटा वो बुक ना यहाँ पर रख देना, भूल जाऊंगा मैं तो इशू। चलिए अब गाइस सॉल्यूशन देखें, बेटा ये देखो ओई ये वाले ट्रेपेजियम में ये दो पैरेलल साइड्स हो रहे हैं, ये हाइट हो रहा है ठीक है ना, देख लो अब पहले वाले का एक्सेलरेशन ए बी 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा होगा और दूसरे का -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किसी का डिफरेंट है तो प्लीज बोलिए। सही है क्या, क्या बता रही तुझे बेटा y2 माइनस, तूने कोऑर्डिनेट 20.5 कहां से लिख दिया, 15 था तूने वो 15 के ऊपर तूने वो बनाई है ब्रैकेट, तो देखो खुद कहीं दिख रहा है। बेटा ये देखो कोऑर्डिनेट है इसका 15.20, इसका है 0.10, तो 20 - 10/15 - 0 = 10/15 = 2/3।
ठीक है। अब ये देखो सीडी का किसी को इशू है तेरा, नहीं ना बेटा सीडी उससे रिलेटेड नहीं था बच्चा, तू देख लो डायग्राम ऐसा क्यों बनाई उसको ठीक क्यों नहीं किया मेरे को समझाएं, तो मैं तो तेरे को नहीं पता, नहीं वो तू देख ले वो, ठीक है। अब आगे देखो बेटा डिस्प्लेसमेंट एनी वन ए टू बी के इसमें इशू, यस देखो ये मेरा ट्रेपेजियम बन रहा है, ये दोनों अगर पैरेलल साइड्स है तो मेरा क्या हो जाएगा बेटा एरिया उसका हाफ, पैसा हुआ पैरेलल साइड्स, हाइट कितना है 15, तो हाफ 30 इंटू 15 225 मीटर्स हो जाएगा। अब वही चीज़ मैं अगर ये यहाँ के इसमें देखूँगा बी टू डी के इसमें, तो ये मेरा ट्रेपेजियम बन रहा है तो पैरेलल साइड बेटा तब ये हो रही है, ठीक है ना, तो जाएगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, बी से सी का लेंथ हो रहा है 10 और बी से डी का नहीं ये नीचे वाले ये इतने का लेंथ हो रहा है 15 और हाइट तब अपनी ये हो जाएगी 25 ये रखो 1 10 सा इंटू 10 आंसर 250 मीटर्स हो जाएगा। ये है तो ये पॉइंट तुम्हारा कितना होने वाला है 50 नहीं 25, 20 कितना होगा डिस्टेंस ये लेंथ, तुम 10 स्टेप आगे बढ़ रहे हो ना, कोऑर्डिनेट सीखना जरूरी है बेटा, तुम लोगों को भी डिस्टेंस मामला 10th में आएगा तब तुम लोगों को शायद और मेच्योरिटी आएगी, बट ये चीज़ें देख लो अभी के लिए, ठीक है। जिनका गलत है प्लीज़ ठीक करो अपने आप, छापना मत यार, हाँ नहीं अपने को छोटा सा पार्ट ना, एक और सर्कुलर मोशन जो आखिरी का बचा हुआ है वो एक बार रैप अप कर दो, 5 मिनट लगेगा उसके लिए, इतना कुछ है नहीं उसके अंदर, हाँ वही वाला ये सैटेलाइट जैसा वाला ना, हाँ अच्छा हाँ अच्छी याद रही थैंक्स। अब गाइस ओई 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 शांति, अब यहाँ पे ध्यान दो, अब बेटा देखो सर्कुलर मोशन, आप सेम स्पीड से भी गोल 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 घूम रहे हो तो अभी वो एक्सेलरेटेड मोशन रहता है कि हर डायरेक्शन पे हमारा हर पॉइंट पे हमारा डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो मैं गोल घूम रहा हूँ ऐसा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे मेरा डायरेक्शन ही है बट यहाँ पे डायरेक्शन ही है, डायरेक्शन अगर चेंज हो गया है तो मेरी वेलोसिटी चेंज हो गई, वेलोसिटी का चेंज हो गई है तो एक्सेलरेशन है, तो उसे एक्सेलरेशन कैसे निकालना है वो हमें भी नहीं है, ठीक है ना, वो आप लोग 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में देखते हो सिंपल रहता है वो, तो कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो सर्कुलर मोशन भाई सेम स्पीड से भी हो बट एक्सेलरेटेड मोशन रहने वाला है, इस चीज़ का काम हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर में तो करने ही वाले हैं, साथ ही साथ में हमने केमिस्ट्री में भी याद है वो बोर मॉडल ने वो जो किया था उसमें यूज़ किया हुआ है। अब इसके बाद में ना आप लोगों को इसके अंदर एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी नहीं बोल रहा, एवरेज वेलोसिटी भी पूछ सकता है वो, बट आपसे एवरेज स्पीड का कभी कभी क्वेश्चन आता है। पहले एक फुद्दू सा क्वेश्चन बता रहा हूँ सुन लो एक बार, मान लो ये एक सर्कुलर फील्ड है, एक एथलीट, ये सर्कुलर फील्ड में भी है मान लो 7 मीटर रेडियस की, ठीक है, एक एथलीट है इसका एक राउंड वो मान लो 2 मिनट में कंप्लीट कर रहा है तो उसकी एवरेज स्पीड बताओ। सर पहले तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, डिस्टेंस पूरा गोल घूम के आने का हो जाएगा 2πr, मतलब सर 44 मीटर हो रहा है, टाइम 2 मिनट बोला था मतलब 120 सेकंड, मैंने दो मिनट में बोला था एक, ठीक है ये हो जाएगा कोई इशू, फिर मैं काटा पीटी करूंगा जिससे फोर से कट रहा है कि 11/30 मीटर्स पर सेकेंड, अब जो भी आंसर आ रहा होगा फेयर इनफ है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, मान लो एक क्लॉक है उसका सेकेंड का काटा, मैं क्या बोल रहा हूँ सेकेंड का काटा इस 7 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइन 7 सेंटीमीटर के लिए एक बार रुक जाओ अभी के लिए, 7 मीटर लॉन्ग ये है वो सेंटीमीटर वाले बाद में देखते हैं, अब इसकी एवरेज स्पीड बताओ। सर हमको तो पता ही नहीं गोल घूम के कितनी देर में आएगा आपस से, हमको टाइम तो पता ही नहीं, 60 सेकेंड्स में बेटा सेकेंड का काटा है, सेकेंड का काटा पूरा गोल घूमने में कितना टाइम लगाता है 60 सेकेंड्स, तो तुम्हारे को इनडायरेक्टली उसने टाइम 60 सेकेंड्स दिया है, डिस्टेंस तुमको निकालना पड़ेगा। अब वो डिस्टेंस मीटर में तो 2πr इजीली हो जाएगा, यही अगर सेंटीमीटर में अगर है तो क्या होगा बेटा वो 2π/7/100, तो वो 0.44 मीटर या 44/100 मीटर डिवाइड बाई 60 हो जाए करना पड़ेगा। यही अगर मिनट हैंड होता तो मिनट हैंड को पूरा गोल घूमने के लिए 60 मिनट्स मतलब 3600 सेकेंड्स लगे होते थे, समझा ये चीज़ क्या हो रहा है। तो एक क्वेश्चन आप लोग अपने हिसाब से ट्राई करोगे, एक नोट पर एक नोट।
सेकेंड हैंड है कुछ भी मान लो वही 7 सेंटीमीटर का, तुम लोग खुद से आंसर निकालो चलो इसका, बताओ इसकी एवरेज स्पीड कितनी हो रही है, या 14 सेकेंड ले लो यार, 14 सेंटीमीटर इसकी एवरेज स्पीड बताइए कितनी हो रही है हमारी, हाँ बोलो। सेकेंड हैंड आप लोगों का 14 सेंटीमीटर का है, आपको एवरेज स्पीड निकालना है, हाँ मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा आप लोगों को। बेटा एरिया क्यों निकाल रहे तू, क्या इसका नाम क्या लिखा है तूने, उसके आगे फॉर्मूला क्या लिखा है तूने, तो तूने आर दो बार क्यों लिखे उसमें, क्या कर रही है बेटा, 1 सेंटीमीटर को जो 100 क्या नहीं बता देगा, आप फ्रैक्शन में छोड़ सकते हो, ठीक नहीं है क्योंकि जैसे तू लोगों पे हंसाता भी वैसे फिर लोग हंसते हैं अपने पे। चलो गाइस 44/3000 meter per second आ रहा है, जिसने इसके आगे फर्दर डिवाइड डिवाइड करके डेसिमल में लाया एब्सोल्युटली फाइन, वो हाँ वो मैंने उसको वो टू से नहीं काटा क्योंकि मैं डेसिमल प्रिजर्व करने वो जीरो प्रिजर्व करता हूँ, 22/1500 ठीक है, ठीक है कोई इशू है। चलो अब गाइस अब अपन मैथ स्टार्ट कर रहे हैं, जाना पतंग उड़ाना था तेरे को। चलो अभी तू कहते नए पेंट हाउस उड़ाना लेगा, तूने घर पे बुलाया नहीं, खाई लिया पार्टी नहीं दिया, कुछ खिलाया नहीं, कुछ शर्म कर, तू बाजू में ही आया ना, तू ई टावर में आया ना, खा रहा था बैठ के वो क्या बेटा 14/100 क्या बेटा एक सेकंड, वन मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो आगे 14 सेंटीमीटर चाहिए ना, तो यहाँ पे 14 सेंटीमीटर लिखेगा, तूने वहाँ पे लिखा हुआ होगा लेफ्ट साइड में, तू क्या होता बच्चा 22/1500 मीटर पर सेकेंड, टू से और काट दिया अगर तो ठीक है। हाँ अब गाइस ओए अब ना मैथ्स कंटिन्यू कर रहे हैं अपना, गाइस वेयर वर वी, आपको 102 और 99 का क्यूब निकालने थे करेक्ट, बेटा देखो 99 का क्यूब गाइस शांत अब ओए अब बातें नहीं, 100 - 1 का क्यूब ये हो जाएगा a³ - 3a² b + 3ab² - b³ हो रहा था,
ये हो जाएगा बेटा, अभी देखो क्यूब है तो डबल जीरो और एक बार डबल जीरो, 100 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1000300-300001। ठीक है, अब आप लोगों को सब्ट्रैक्ट करोगे जब इसको, टेन नाइन टू, ठीक है ना, ये तो बच्चा नाइन नाइन, ये टू, अब देखो ये जीरो ही रह गया, अब इसको आपसे टेन नाइन जीरो नाइन सेवन जीरो टू डबल नाइन आंसर आ रहा होगा। ठीक है, जिन लोगों का गलत है मैं एक मिनट दे रहा हूँ, प्लीज ठीक करो उसको फट से, और अपने आप करना छापना मत बैठ के। हाँ हाँ, वो भी अपने ऊपर है, सही है, वो भी सही बोला तू, सही बोला तू, 30,000 सब्ट्रैक्ट किया तूने अगर, तो 97 वो आ गया, प्लस 300 किया, फिर माइनस 1 कर लिया, सही है, सही बोला बेटा। मैंने 99 का क्यूब किया है अभी, मेरे भाई ये मैंने पहले जो पॉजिटिव थे, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव काट गया, तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव हो गया, तो ये वो सब हो गया, तो क्या नहीं हुआ, तो वही तो मैं बता रहा हूँ तेरे को बेटा, प्लीज़ बातें मत करो बत्ताड़, एक जन माथे उठ देवेक वहाँ पे बैठ लास्ट बेंच पे, वो ठीक है, मैं उस दिन सोचा था डॉक्टर की रिपोर्ट मंगाता हूँ, पर वो भी घूम जाती देर से बेटा, डॉक्टर का चाहता है आजकल इंजेक्शन लेने, तबीयत खराब चल रही उसकी। चलिए गाइस, 102 का क्यूब अभी, यार देख आना तो चाहिए ही नहीं, आना ही नहीं चाहिए क्वेश्चन पे, हाँ वही प्रॉब्लम वही है, आ जाते हैं बेटा एमसीक्यू में नहीं पूछेगा। 100 प्लस 2 का क्यूब, देखो वो ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी का क्यूब, एक दो एक दो एक दो, 6, देखो 3 2 6 लिया मैंने, ये प्लस 300 इंटू 4 प्लस 8, एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो 1200 प्लस 8 8 0 2 1 6 0 1 1 0 6 1 2 0 8 जो भी है वो, ठीक है, ये कंपेरेटिवली ईजियर था। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 8 अपने को पूरा करना है, ठीक है, सिंपल सा है, कुछ भी उसमें स्ट्रेस है ही नहीं, मैं आप लोगों को पहले जो सिंपल वाले हैं वो मैं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैं आपको ये और एक ये थोड़ा कंपेरेटिव ट्रिकियर है बट सिंपल ही है, उसमें कोई इतना इशू नहीं आएगा, पर देख के आपको समझ में आना चाहिए कि आइडेंटिटी कौन सी लग रही है। देखो ये ए प्लस बी होल क्यूब होने के चांसेस बहुत हाई है, पर अपने को जो आदत है ए प्लस बी होल क्यूब लिखने की, वो क्या थी अपनी, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब थी। देखो अब ये किसी का होल क्यूब नहीं है, लास्ट वाला ये है और ये है, तो अपने रीअरेंज किया पहले तो अपने खुद के लिए, तो देखो इसको मैंने ऐसे लिखा 8 ए क्यूब और वो बी क्यूब को मैंने आखिरी में डाला है खुद के कन्वीनियंस के लिए, फिर 3 ए स्क्वायर भी होना चाहिए था, ठीक है, तो वो ये वाला पहले लिख दिया है मैंने प्लस 6 ए बी स्क्वायर। अब देखो 8 ए क्यूब को मैं 2 ए का होल क्यूब लिख सकता हूँ, वो बी क्यूब को बी का होल क्यूब लिख सकता हूँ, अब मैंने चेक किया है 3 पहला वाला ब्रैकेट का स्क्वायर इंटू आखिरी वाला ब्रैकेट प्लस 3 पहला वाला ब्रैकेट इंटू आखिरी वाले ब्रैकेट का स्क्वायर। अब चेक करना पड़ेगा क्या ये इसके बराबर और ये इसके बराबर हो रहा है या नहीं, तो देखो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 3 ज़ा 12, हाँ सर 12, 3 2 ज़ा 6, हाँ सर 3 2 ज़ा 6, हाँ सर हो रहा है, तो इशू नहीं है। जैसे ये हुआ तो ये 2a प्लस b का होल क्यूब बन जाएगा, ठीक है। अब गई ये देखो ये सेकेंड सब पार्ट एंड थर्ड सब पार्ट देख लो भैया के लिए आप लोग, ये अगेन
प्रॉपर सीक्वेंस में है नहीं, क्योंकि ये किसी का क्यूब बन नहीं रहा था, बट ये मेरा 5a का होल क्यूब हो रहा है, तो मैंने उसको रीअरेंज ऐसा किया हुआ है 27। अब देखो a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर भी आता तो ये वाला ही आएगा। हाँ चल जाएगा, मैं तो सिर्फ जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ उसके हिसाब से बता रहा हूँ, जो तुम डायरेक्टली करोगे चल जाएगा। प्लस 225a स्क्वायर माइनस 125a क्यूब होना चाहिए था, इसको मैंने 3 का क्यूब लिखा है और वो आखिरी वाले को माइनस ऑफ 5a का क्यूब लिखा है। अब देखो मैंने बच्चे अपने मन से किया, माइनस 3 इंटू पहले वाले ब्रैकेट का स्क्वायर इंटू आखिरी ब्रैकेट प्लस 3 इंटू पहला वाला ब्रैकेट इंटू आखिरी ब्रैकेट का स्क्वायर। देखो 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 3 9 दैट 27, फिर 27 इंटू 5 135, हाँ हो रहा है ये 5 का सर 25, 25 इंटू 3 इंटू 3 5, 25 इंटू 9 225, हाँ सर हो रहा है। जैसे ही हो गया है सब कुछ, अब क्या हो जाएगा बेटा मेरा आंसर 3 माइनस 5a का होल क्यूब। समझाई चीज़ क्या हुई है गाइस, आप लोग मुझे सेकेंड फोर्थ और फिफ्थ वाला करके दोगे ठीक है। मैंने आप लोगों के इसमें फर्स्ट और थर्ड ओपन रखा है, सॉल्यूशन हटा नहीं रहा हूँ, पर छापना मत कुछ भी या उसको ही देख देख के बस ज़्यादा डेटा चेंज करें वो वाली हरकतें मत करना। फाइनल प्रैक्टिस कर रहे हो आप लोग तो उसके हिसाब से करो। और फोर्स भी लाना चाहिए खड़ा, नहीं वो जरूरत नहीं है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स लिख दे, आई टेल यू व्हाई। परपेंडिकुलर अगर रहता था तो नहीं होता था इसके लिए, तो उससे मैं जो तुम पूछी ना कंडीशन, तो बोलना कि फोर्स होना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्योंकि परपेंडिकुलरली अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो नहीं होगा, इसलिए लिख देना कभी भी। इन द डायरेक्शन का मतलब सामने या अपोजिट सेम हो जाता है, लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट फेस हो जाता है मतलब। हाँ हाँ चल जाएगा बेटा, गाइस 1 और 3 मैंने करा हुआ था वो नहीं करना है, 2, 4 और 5 करना है आपको फट से। टू वन सिक्स 6 का क्यूब होता है बेटा, नहीं अगर समझ में आया तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना चाहिए समय पे। क्या बच्चा फोर्थ में बी कौन सा है ना, मैं समझा नहीं बच्चा तेरा क्या बोलना है, तो बेटा वो 3b हो जाएगा बेटा, देख पहले हो जाएगा वो 4a का क्यूब। हाँ हाँ 3b कहते हो 3 मिनट आप लोग हैं, पर थोड़ा खुद से केयरफुली कीजिएगा, फिफ्थ वाला बहुत अच्छा है सब पार्ट, ये CPS कई बार पूछता है फिफ्थ वाला, तो थोड़ा ध्यान दे कीजिएगा। देख NCERT तो पक्का हो जाएगा,
वर्कशीट पक्का नहीं होगा, पक्की बातें नहीं हो पाएगी वर्कशीट एकदम। गाइस शांति, मल्टीप्लाई करेंगे। लास्ट वन मिनट गाइस, सिक्स का क्यूब है। चलिए अब गाइस मैं आंसर्स लिख रहा हूं, देखिए इसका 2a माइनस बी का होल क्यूब हो रहा होगा, इसका 4a माइनस 3b का होल क्यूब हो रहा होगा, इसका 3p माइनस 1 बाई 6 का होल क्यूब हो रहा होगा। किसी को कोई डिफरेंट है आंसर? ये देखो फिफ्थ वाला, पहले रीअरेंज किया मैंने खुद के लिए, ये देखो ये 3p 27p क्यूब को 3p का होल क्यूब लिख सकता था मैं, और माइनस ऑफ 216 को 1 बाई 216 को 1 बाई 6 का होल क्यूब, माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। अब ये चेक किया मैंने, देखो ये 3 वन ज़ा ये 3 टू ज़ा तो हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 तो 9 बाई 2 पी स्क्वायर, हाँ ठीक है, देखो ये 9 बाई 36 1 बाई 4 हो जाएगा, तो हाँ ये भी सही है। तो जैसे ये सब कुछ हुआ तो 3p माइनस 1 बाई 6 होल क्यूब आंसर हो जाएगा। समझे जी क्या हुई है? श्योर बढ़ाऊँ आगे? दैट वाज गाइस क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 आपको खुद से करना है, आपको ये वेरीफाई करना है x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल टू समथिंग 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 है, वहाँ पे x क्यूब माइनस y क्यूब इज इक्वल टू समथिंग समथिंग है। ये हम लोग वैसे आइडेंटिटी जैसा यूज़ करने वाले हैं आगे के क्वेश्चन में, बट उसके पहले अपने को वेरीफाई करें तो कुछ नहीं, ये RHS पे आओ और खोल दो उसको। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये x पहले पूरे से मल्टीप्लाई होगा फिर ये y पूरे से मल्टीप्लाई होगा, लाइक टर्म्स जो सॉल्व हो रहे हो करना है, सेम चीज़ आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। ठीक है, ये मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, खुद से करो फट से वाला। पहले दोनों करने बेटा आपको, वो नीचे वाले इसमें बैठा सको वैसे क्वेश्चन, नहीं 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 वैसा नहीं कि इसलिए भी हो रहा है इसलिए भी हो रहा है वेरीफाई, वैसा नहीं होता बेटा। चलिए गाइस हो गया है, थोड़ा फास्ट करना है बेटा वो, क्योंकि सिंपल है वाले।
बेटा अपन लोग ना कल से 6 to 8 रखेंगे, 6 to 7:30 में नहीं होगा अपना मैथ्स कंप्लीट, 6 to 8 रखना पड़ेगा अपने को। काहे की कहाँ पे रहती है? भड़कस चौक कितना दूर पड़ता है यहाँ से? अच्छा नहीं, बट तुम्हारा ये कल, सॉरी कल मंडे को, कि तुम लोगों का सोशल वालों का टेस्ट है, तो 6 to 7:15 वगैरह का ही रहेगा मंडे को, कि मेरी बात हुई थी मैम से। बचे हुए दिन तुम लोगों का जिन सोशल की क्लास या टेस्ट नहीं है, 6 to 8 रहेगा अपना। 7:15 to 8 o'clock रहेगी कल, कल हाँ। चलिए हो गया क्या? ओ भाऊ इकड़े पा आणि गप्पा बसा हो, सकडे येते मला टोचन देना पण येते दू तुला। चलो बेटा यहाँ पे जान दो, x³ + y³ इज इक्वल टू, ये था सिर्फ राइट हैंड साइड को मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से खोल डाला है, तो ये x + y (x²-xy+y²) जो था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के लिए, x(x²-xy+y²) + y(x²-xy+y²) कोला x³ - x²y + xy² + y² को मैं जानबूझ के x²y लिख रहा हूँ, -x²y² + y³। देखो -x²y + x²y + xy² - xy² कट गया, x³ + y³ आ गया। जिसका ये नहीं आया था तो उसको ठीक करो, जिसका सेकंड वाला अगर नहीं समझा था तो वो सेकंड वाला करो, मैं 2 मिनट दे रहा हूँ बस और, ठीक है ना। और जिनका वो सब कुछ हो गया था वो क्वेश्चन नंबर 10 करना शुरू कर सकते हैं। आपका वही है a³ + b³ की आइडेंटिटी यूज़ करनी है, तो ये किसका होल क्यूब हो रहा है, ये किसका होल क्यूब हो रहा है देखना पड़ेगा, ये किसका होल क्यूब हो रहा है, ये किसका होल क्यूब हो रहा है देखना पड़ेगा। 3437 का होल क्यूब होता है। हाँ पहले उसको कन्वर्ट करके दिखाना कि तेरा ये, तो दूसरा वाला भी करना नहीं बेटा, प्लीज़ सुनिए, a² + b² डज नॉट मीन a + b² या ये की पावर 10 की पावर 10 इज ये होल पावर 10, नो। जिन लोगों का 9th का सेकंड सब पार्ट हो गया है वो 10th पे शिफ्ट करेंगे, तुम इधर ही बैठोगी। प्लीज गाइस फट से क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। नहीं बच्चा को जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएगी वापस तो यहीं पहुंच जाएगी, तुझे फैक्टराइज करना है, तो तेरा फैक्टराइज कुछ x + y (x²-xy+y² के फॉर्मेट तक के ही लाना पड़ेगा, फैक्टर्स बन गए क्या कोई कुछ बहुत आई थिंक। नहीं वैसे मैं पहले 12th कराने वाला हूँ गाइस, और 3 मिनट दे रहा हूँ मैं, भाई 20 हुआ है, 23 जैसे ही हो जाएगा अपन डिस्कस करना शुरू कर देंगे। हाँ बच्चा राइट हैंड साइड को सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव से खोल देना है, और देखो सोल्यूशन लिखा हुआ है पहले वाले का उसका ब्लैक में। टेंथ का डेटा दोनों करना है, यस। 12th अगर आता है कर लो, एक बार 11th पे रुक जाओ।
नहीं, एक बार ट्वेल्थ कर ले, मेरे को इलेवेंथ समझाना एक बार के लिए। क्वेश्चन सही लिखा गया था। ट्वेंटी थ्री होता है। चलिए अब गाइस हो गया है। अब देखो मैं पहले से आंसर लिख दे रहा हूँ, अगर आप लोगों का डिफरेंट रहेगा तो मुझे बोलना, तो मैं समझाऊंगा। ये इसका हो रहा है बेटा a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एनी वन में डिफरेंट आंसर नहीं, फिर इसका कर रहा हूँ बेटा मैं, तो हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एनी वन में डिफरेंट आंसर, ये देखो 64 m cube है, तो 4m का होल क्यूब हो जाएगा, वो 343 होता है 7, तो 7n का होल क्यूब। a क्यूब माइनस b क्यूब इज a माइनस b a स्क्वायर प्लस a b प्लस b स्क्वायर 16m स्क्वायर प्लस 28mn प्लस 49 एन स्क्वायर। समझा? जिन लोगों का गाइस टेंथ हो गया है दे कैन मूव ऑन टू ट्वेल्थ क्वेश्चन। इलेवेंथ रुक जाओ, ट्वेल्थ क्वेश्चन आपको जैसे मैं बता रहा हूँ, आपको आरएचएस सॉल्व करना है इसके अंदर, और उसमें भी सॉल्व करते समय पहले आप लोग ये अंदर के ब्रैकेट्स खोलोगे, तो लाइक टर्म्स है वो सॉल्व करोगे, उसमें एक टू कॉमन निकल जाएगा। जब टू कॉमन निकल के बाहर का लाओगे तो ये टू और वो टू कट जाएगा, ये आपकी आरएचएस जो बनेगा, आपको एक आइडेंटिटी लिखवाई थी एक्स ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी, वही लंबी सी इसी को ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, वो राइट हैंड साइड वाला बन जाएगा, तो अपने आप लेफ्ट हैंड साइड दिखना शुरू हो जाएगा। एक बार के लिए आप लोग ट्वेल्थ वाला खुद से ट्राई करोगे, अभी थर्टीन कर ले, फोर्टीन कर ले। ये हो गया है विच इज देन इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस थ्री एक्स वाई जेड लिख दे, विच इज इक्वल टू एल एच एस, खत्म। सही, गाइस शांत हो गया है गाइस, कर रहे हो तो मैं रुक रहा हूँ, मैं और दो मिनट दे रहा हूँ, फट से करो।
हाँ बेटा नहीं चलो बेटा एक्स स्क्वायर एक्स का कट थोड़ी रहा है उसके अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर हो रहा है ना बेटा, वो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जो तुमने काटा है वो एक्स स्क्वायर और वहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर था तो टू एक्स स्क्वायर होना चाहिए था, वो कटेगा नहीं, वो टू एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर प्लस टू जेड स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई जेड माइनस टू जेड एक्स बना होता, फिर टू कॉमन निकला होता और कटा होता तो फिर तेरा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड बना होता। ट्राई कर, ट्राई कर, जो तूने एक्स स्क्वायर काट दिया कट नहीं रहा वो ऐड हो रहा है क्या? गाइस लास्ट वन मिनट फॉर इट, खुद से कीजिए क्वेश्चन नंबर 12 को। दोनों को निकालो क्लास के बाहर। चलिए अब गाइस ये वाला देख लीजिए एक बार आप लोग प्लीज, वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 12। देखो अब मैंने आर से शुरू किया है तो 1 बाई टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड वैसे ही रह गया है, x माइनस वाई को होल स्क्वायर को ओपन किया था एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, वाई माइनस जेड के होल स्क्वायर को ओपन किया था वाई स्क्वायर माइनस टू वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, और जेड माइनस एक्स के होल स्क्वायर को किया था जेड स्क्वायर माइनस टू जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर हो रहा है। वंशदीप तूने ये एक्स पर एक्स को जो काटा था बेटा मैं बोलता हूँ कटेगा नहीं, टू एक्स पर बन जाएगा, तो ये देखो 1 बाई टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड वो बन जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर प्लस टू जेड स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई माइनस टू वाई जेड माइनस टू एक्स जेड, टू पूरे में से कॉमन निकलेगा बेटा मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड बनेगा, ये टू और टू कट गया, ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड के बराबर हो रहा है। ये बेटा आपको आइडेंटिटी होती है कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस थ्री एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू, ये पूरा हो रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, ये आप लोगों को लिखवाई भी आइडेंटिटी, आई थिंक कंडीशनल आइडेंटिटी का जस्ट पहले वो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी इज इक्वल टू, यही आर एच एस जो दिया हुआ वो लिखा हुआ था, यहाँ से मैं एल एच एस यानी अपना कर सकता हूँ, दिस इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी, समझा जी क्या हुआ है? ये यहाँ आप ऐसे ये टू कॉमन निकाला था यहाँ से तो ये टू ये रहा, टू वैसे पूरे में से कॉमन निकला तो। हाँ बेटा रुक जाओ इसको डाइस हो गया ये भी, तो बेसिकली अपनी आइडेंटिटी जो है ये आइडेंटिटी रटनी नहीं है ट्वेल्थ वाली, अपनी आइडेंटिटी ये बोलती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी की वैल्यू होती है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, बेटा इसके अंदर साइन कैरी फॉरवर्ड होता है। तो अब अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखोगे तो क्या ये क्वेश्चन मेरा ये है ना 11th क्वेश्चन को मैं इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री इंटू पहला ब्रैकेट इंटू दूसरा ब्रैकेट इंटू तीसरा ब्रैकेट और फिर उसके बाद मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ मैं, समझे जी क्या हुई है? फट से आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करोगे पहले,
पढ़ाई की, ये हो गई है ना, बढ़िया है, बैठ जा भी थोड़ी देर शांति से। माइनस थ्री ए बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तो आइडेंटिटीज लिखवाए तो कहाँ हैं, तो वो पलटाना पीछे थोड़ा सा। सही है, मैं गाइस 11th का एक बार आंसर लिख रहा हूं, किसी का अगर डिफरेंट आया होगा तो मुझे बोलिएगा। देख ली बच्चा लोग, ये छापना नहीं है मेरे भाई, तू नहीं, तेरे पीछे वाले को बोल रहा हूँ मैं, कॉपी कंप्लीट करने के लिए नहीं कर रहा है तू अभी, तेरे को नहीं, तेरे पीछे वाले को बोल रहा हूँ। ज़्यादा घूम मत बेटा, जहाँ पे टोची मारी होगी ना वो चुभेगा तेरे को, नहीं हुआ बेटा अभी तक के। ये हो गया है गाइस, भाई जिसको नहीं समझा पूछ लो यार, तुमको कॉपी कंप्लीट नहीं करवाने के लिए बैठाया हो भी मैंने, तुमको होमवर्क बेयर मिनिमम इसलिए दे रहे क्योंकि मुझे पता है तुम होमवर्क छाप के आ जाओगे, फिर ये सोचे कि हमारे को होमवर्क दिया हुआ है। ये फाइनल रिविजन, इसका हमें क्लासेस ही नहीं होने वाली है, 10th वालों की क्लासेस होना बंद हो चुकी है, उनका रिविजन ख़त्म हो चुका है, अब वो लोग खुद पढ़ रहे हैं या फिर एग्ज़ाम का पेपर चेक करवाने आ रहे हैं। तुम्हारे साथ में भी वही होने वाला है, सेंटर पॉइंट जैसे फरवरी की वो शुरू होगी एग्ज़ाम, तब एक बार BVM का ये फालतू के जो चैप्टर्स है कहते हैं साउंड वाउंड जैसी चीज़ें जो हो गई है और तुमको अगर प्रोबेबिलिटी आ रहा है तो वो करवाई जाएगी, और फिर उसके बाद में क्लासेस नहीं होगी। सेंटर पॉइंट के समय पे एक और बार रिविजन, BVM के लिए रिविजन, सेंटर पॉइंट के लिए रेगुलर साउंड चलेगा, ख़त्म, क्लासेस नहीं होगी उसके बाद में, तुम लोगों को सिर्फ पेपर्स देना रहेगा। प्लीज़ अब फाइनल वाले का ऐसा करो, ये था क्वेश्चन नंबर 11, कोई इशू है क्या वंशदीप उसमें? अब बेटा देखो, अब 13th वाला समझने के लिए ना, पहले वो आइडेंटिटी जो मैंने ऊपर लिखी हुई है थी, सॉरी ये देखो, ये वाली आइडेंटिटी देखो अभी आप लोग। अब देखो, अगर इसके अंदर मेरा a प्लस बी प्लस सी जीरो हो रहा था, वो देखो आपको उसके नीचे कंडीशनल आइडेंटिटी लिखाई हुई है, इफ a प्लस बी प्लस सी जीरो देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू विल बी इक्वल टू 3ABC। ये उसी का प्रूफ मांग रहा है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज जीरो देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज गोइंग टू बी इक्वल टू 3ABC। तो इसका प्रूफ कैसे करोगे आप लोग? तो पहले तो ये आइडेंटिटी तो तुमको पता ही है, ठीक है? अब उसका बोलो एक्स वाई जेड का टर्म से लिख रहे हैं, तो बोलोगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज गोइंग टू बी वॉट, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, करेक्ट? अब आप लोग बोलोगे सिंस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज जीरो इम्प्लाइज, ये तो तुम्हारा वैसे ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया तुम्हारे, इज इक्वल्स टू ये जीरो हो गया, जीरो इंटू
ये पूरा का पूरा ब्रैकेट यहाँ पे आएगा, मतलब देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड हमारा जीरो होने वाला है। अब वो माइनस थ्री एक्स वाई जेड को मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊँगा, ये कुछ थ्री एक्स वाई जेड हो जाएगा। तो देखो ये कब होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू थ्री एक्स वाई जेड, और छाप लूँ, रुक जा दो मिनट ले जब पढ़ा रहा हूँ मैं, ये कब होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब थ्री एक्स वाई जेड के बराबर में, तभी होगा अगर ये जीरो है। तो अगर ये जीरो नहीं है तो वो नहीं होगा, कभी नहीं होगा, समझ में आ रहा है ये चीज़ क्या बोला है मैंने पक्का। प्लीज़ गाइस ये अलग खुद से करो एक बार, ये देखो क्वेश्चन ये है आपको, अगर ये जीरो है तो ये चीज इसके बराबर प्रूफ करनी है, ठीक है। कौन पूछ रहा है वापस बताओ ना, यस तो तूने बोला ये आइडेंटिटी होती है, ये तो आइडेंटिटी है, ये जीरो है मेरा, जीरो इंटू एनीथिंग विल बी जीरो, ये पूरा का पूरा मेरा जीरो हो रहा है। अगर वो जीरो है मतलब ये जीरो के बराबर है तो ये थ्री एक्स वाई जेड मेरा उधर चल जाएगा, खत्म। राजा समझ में आ रहा है क्या, राजा समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। नेक्स्ट वाला तू मेरे को बताएगी करके? ओके सर, फोटो की फोटो भेजो करके मेरे को, 14th का फर्स्ट वाला करके भेज। इसमें और आगे स्प्रेड होगा ना बच्चा, अच्छा नहीं वाई कहाँ से आ गया, कहाँ से वाई, तूने क्वेश्चन गलत कॉपी किया पक्का से, वाई नहीं था उसके अंदर, एक सी था या फिर वो भी वाई था, कुछ गलत कॉपी किया क्वेश्चन बेटा। तू नागपुर कब आ रही है वैसे? ओ राजा आज सर, आज कितने बजे? और मैं रात को पहुंच जाऊंगी। थोड़ा बहुत ज्यादा लंबा नहीं जाता क्या अपन चंद्रपुर? हाँ गाइज प्लीज़ 13th क्वेश्चन कीजिए, जल्दी कीजिए नहीं बोल रहा हूँ, ढंग से कीजिए, क्योंकि 14th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 14th क्वेश्चन आप लोगों को आने के हाईली लाइकली चांसेस रहते हैं, यानी वो राधर MCQ में भी आ जाएगा, कोई भी रैंडम फॉर्मेट में आपको आ सकता है। गाइज एनी वन हु स्टिल सॉल्विंग 13th क्वेश्चन प्लीज बोलिए, मैं रुक रहा हूँ। यस वेटिंग लिखना चाहिए बेटा, देखो आइडेंटिटी यूज से करना है, अगर समझ में आता है तो कर ले एक बार के अटेम्प्ट, फिर मैं बताऊंगा। सॉरी देख तूने किया सब कुछ सही है, बस कैलकुलेशन मुझे आइडिया नहीं है वो कैलकुलेशन का। चलिए अब गाइस देखे, अब गाइस एक जो कोई कर रहा है अभी भी 13th तो बोलो प्लीज। अब सुनो मैं 14th वाला क्वेश्चन ना थोड़ा ज्यादा लंबा करा रहा हूँ आप लोगों को, कि ये लिखो वो लिखो ये करो वो करो, थोड़ा पेशेंस रखना क्योंकि आप लोगों को काम में आएगा। देखो कभी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया ना विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन इसकी क्यूब की वैल्यूज निकालो, तो देखो पहले ऐसा लिखना, लेट पहला वाला जो भी वैल्यू दिया है माइनस 12va 7bb 5vc, फिर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो रही है माइनस 12 प्लस 7 प्लस 5 जो कि जीरो हो रही है। फिर तुम लिखोगे सिंस a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, ठीक है ना राजा? तेरा फोटो आया नहीं, वैसे महीना भर हो गया क्वेश्चन को। सर थर्टीन कर रही हूँ।
अच्छा बहुत ही बढ़िया था। माइनस 12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब, ये देखो ए की वैल्यू डाल रहा हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, जैसे पूछा गया इक्वल टू 3 ए बी सी, फिर जो वैल्यू देगा वो सो वैल्यू देगा, ठीक फिर मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो एक और बार, इसको ए बोलना, इसको बी बोलना, इसको सी बोलना, फिर दिखा देना ए प्लस बी प्लस सी जीरो आएगा। अब क्वेश्चन एक बच्चों का था, सर अगर नहीं आया तो बेटा ऐसा क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा जहाँ पे इक्वल टू जीरो नहीं हो रहा होगा सम। फिर आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू निकालनी है, तो वो क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी जीरो, हैंस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब विल बी 3 ए बी सी, जो कंडीशनल आइडेंटिटी थी अपनी इम्प्लाइज, उसे आपका आंसर आना शुरू हो जाएगा। आप मुझे दोनों की दोनों सब पार्ट्स करके दोगे फट से, देख तेरा ए बी सी देखो पता है क्या है, तीनों का सम निकाली तूने ए प्लस बी प्लस सी, उसके लिए जीरो आ रही है। अपन ने अब भी एक कंडीशनल आइडेंटिटी लिखी थी आखिरी वाली, यानी उसमें कि अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो होता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3 ए बी सी के बराबर होता है, तो इसका क्यूब सॉरी इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब 3 ए बी सी, मतलब इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब 3 ए बी सी, तो क्वेश्चन वही तो है देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी हो रहा है बच्चा। बड़ा आपको 14 का फर्स्ट सब पार्ट सेकेंड सब पार्ट करना है, दोनों करना है। फर्स्ट सब पार्ट तो मैंने 90% से ज़्यादा करके रखा है, पर उसको छापो मत प्लीज़, वो पक्का से क्वेश्चन पूछने वाला है तुम्हारे को। वैल्यू निकालना पड़ेगा 3 इंटू माइनस 12 इंटू 7 इंटू 5 वाला, पूरी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या बच्चा? नहीं नहीं बेटा, वो तो उसको उसकी वैल्यू नहीं, उसकी वैल्यू ही 3 इंटू माइनस 12 इंटू 7 इंटू 5 हो रही है, तो वो फाइनल आंसर तेरे को लिखना है और कुछ नहीं। ट्वेल्व का क्यूब निकालना ही क्यों है? बेटा भैया मल्टीप्लिकेशन देख लो, ये को 5 3 15 7 तक कितना हो जाएगा अपना, 15 7 तक कितना होता है 105, 105 इंटू 12 विद नेगेटिव साइन कितना 1280, मेरे हिसाब से 1260 होना चाहिए विद नेगेटिव साइन, 1280 आ रहा है क्या विद नेगेटिव साइन, यानी हाँ माइनस 1260 आंसर आ रहा है। अब एक बार देख रोकड़े, देखो क्लियरली उसने बोला है विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन, तो तेरे को इनके इनके क्यूब्स ही निकालने हैं, तो इसलिए मैं लिखवाया है ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जीरो हो रही है, यहाँ देख ले एक बार, ये देख ये हो गया है, तो अगर वैसे तो इसके क्यूब्स का सम 3 ए बी सी हो जाएगा, तो ए का क्यूब मतलब ये हो गया, बी का क्यूब मतलब ये हो गया, सी का क्यूब मतलब ये हो गया, अब इसकी वैल्यू डायरेक्टली 3 इंटू ये इंटू ये इंटू ये हो जाएगी, तो ये निकालने जगह पे ये निकाल लूंगा ना बेटा मैं, प्लीज गाइस वो उसका सेकेंड सब पार्ट भी कर लीजिए। शांत ऐसा कुछ नहीं था, वाई का निकालो एक्स निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओ भाऊ करो ना सेकंड करो ना, तो फिर सेकेंड है कैलकुलेशन नहीं भी करोगे 3 इंटू समथिंग इंटू समथिंग इंटू समथिंग करके छोड़ दो कभी कभी चल जाएगा मेरे को, बट करो फट से अभी।
हो सकता है मेरे को आइडिया नहीं है। मैं क्वेश्चंस इसके बाद में थोड़ा सा ये वाला 15 छोड़कर कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो रुक जाइए 15 मिनट बचे बचे। नहीं गाइस हो गया है क्या सेकंड सब पार्ट? उसे कैलकुलेशंस नहीं चाहिए मुझे, बस फाइनल आंसर है दिस इनटू दिस इनटू दिस इनटू दिस जैसा लिखा हुआ चाहिए अभी के लिए। चलिए अब गाइस इसका देखिए, अब आप लोग यहाँ पे क्या बोलोगे, ए की वैल्यू 28, बी के लिए माइनस 15, सी की वैल्यू माइनस 13, तीनों को जब ऐड करूँगा मैं तो 28 प्लस ऑफ माइनस 15 प्लस ऑफ माइनस 13 वो ज़ीरो दे देगा। जैसे ही वो ज़ीरो हुआ है किस्सा ख़त्म, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बिल्कुल 3ABC, तो उससे फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 3A B C। समझा जी क्या हुआ है? अब एक बार खेलना 15th क्वेश्चन पे, एक बार पॉज करो, मैं आप लोगों को रादर बेटर क्वेश्चन बता रहा हूँ, अब थोड़ा ध्यान देना, अब प्लीज़ ध्यान देना इन चीज़ों पे अब जो करने वाले अपन लोग, ठीक है ना। फिर से को भेजा था ना शायद वर्कशीट रहने मिल गई। गाइस प्लीज शांति, बेटा ये वाली वर्कशीट आपके ग्रुप में आ जाएगी आप लोगों को, आप लोगों से प्लीज पहले रिक्वेस्ट है ये वर्कशीट का डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 32 पे आओ। नहीं अब देखो, ओए ये वर्कशीट के 32nd क्वेश्चन को, 32nd क्वेश्चन को देखो, ब्यूटीफुल क्वेश्चन है इसके अंदर, ठीक है ना। ये अगर नहीं करके बैठे तो वहाँ पे क्लिक ही नहीं होगा कि क्या करना था। देखो अभी ये ए मान लूँ, ये बी मान लूँ, ये सी मान लूँ, अभी के लिए एक बार लेट एक्स माइनस वाई बी ए, वाई माइनस जेड बी बी, जेड माइनस एक्स बी सी, ठीक है मैंने माना है। अब देखो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ रही है मेरी, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स, कटा 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 ज़ीरो आ गया। सिंस a प्लस बी प्लस सी इज ज़ीरो इम्प्लाइज ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू 3ABC के बराबर हो जाएगी जो आपसे मांगा गया है, तो इम्प्लाइज ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज 3। ए की वैल्यू कितनी है बेटा मेरी x माइनस वाई, बी की कितनी है y माइनस जेड, और सी की कितनी है z माइनस एक्स। ख़त्म, इसको खोलना नहीं है, आपको फैक्टराइज करना था, आपके फैक्टर्स बन चुके हैं यहाँ पे। समझे जी क्या हुआ है? ये हो गया एग्जैक्ट सेम, आप लोगों को सी वाला भी करना रहेगा। आप लोग पहले ए करोगे फिर सी करोगे, एग्जैक्ट सेम आपको बी भी करना है, बट बी आखिरी में करोगे आप लोग, पहले आप लोग ए फिर सी और फिर बी करोगे। मैंने ए किया है बट आप लोग उसको भी खुद से करोगे। वर्कशीट 5 नहीं मैं डाल दूंगा आज। बाकी सब क्वेश्चन आते हैं ना उसके? बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप लोगों को करना है इसमें से। अच्छा,
अपन लोग कल के इसमें फिजिक्स नहीं करेंगे, सिर्फ मैथ्स करेंगे सेशन में और होपफुली ख़त्म करेंगे सर। क्या बेटा वो आंसर हो रहा है बेटा, फैक्टर्स हो रहे तेरे। देख फैक्टर्स कहते हैं समथिंग इनटू समथिंग इनटू समथिंग इनटू समथिंग इनटू समथिंग इनटू समथिंग, वैसे ही है ना। 62 नहीं बेटा, फैक्टराइज करना था ना, फैक्टर्स में बन गया ना गाइस। थोड़ा क्विकली कीजिएगा प्लीज। ए उसके बाद में सी करना है, फिर बी करना है, रोक रहे पलट मत सीधा बैठ। और 3 मिनट मिल रहा है बेटा बस आपको। ए सी बी हो गया तेरा, उसके बाद में 33rd और 35th करना है। थर्टी थ्री और 35th बोला ना बेटा मैंने। गाइस एक बार सी वाला देख लीजिए, देखो अब सी वाले का मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ, 3 × x − 2y, 2y − 3z × 3z − x। अगर किसी बच्चे का कुछ और आंसर अगर आया है तो प्लीज़ वो बता सकता है। एनीवन विद डिफरेंट आंसर। सी वाले का था मैंने, किसी का कोई और आंसर अगर आया तो मुझे बोलिए। नहीं, अब जिनका बी नहीं हुआ है बी फट से अटेम्प्ट कीजिए वो लोग। फट से बी वाला अटेम्प्ट कीजिए बेटा। सी वाला ब्लैक कलर से मैंने बस आंसर लिखा है। अब गाइस ये देखो, बी वाला हो गया क्या अटेम्प्ट सबका?
अब ये देखिए बी वाले का आंसर, तुम लोगों का मेजरली बच्चों का आंसर ये आया होगा, थ्री पहला ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट, तीसरा ब्रैकेट, ठीक है बेटा। यहां तक के लाए हो तीन मार्क क्वेश्चन, दो मिल जाएंगे बेटा। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फर्दर फैक्टराइज होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करके, फैक्टराइज का मतलब फैक्टर्स का। कहीं देखो ये गलत कंसेप्शन दिमाग में मत रखो कि फैक्टराइज मतलब छोटा करना, फैक्टराइज का मतलब छोटा करना नहीं होता है, फैक्टराइज मतलब फैक्टर से बनाना। तो अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, उसे फैक्टर्स पूछे गए हैं, तो एक्स प्लस वाई भी एक फैक्टर हो रहा है बेटा उसका, और एक्स माइनस वाई भी एक फैक्टर हो रहा है, वैसा हो जाता है, ठीक है। तो ये देखो ए थ्री इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका खुल गया, इसका खोला मैंने बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, और इसका खोला बेटा अगर मैंने सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए, समझाई चीज। तू खुद सोचना तनाया कि देख अगर देखो 100 बोला है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो, तो 2 × 2 × 5 × 5 लिख रही है, तू तो बड़ा कर रही है इतना लंबा लंबा लंबा, बट फैक्टर से को मिल रहा है 2b है 2b है 5b है 5b है, तो वो होता है गाइज। यही 32nd हो गया होगा, 33rd एग्जैक्टली यही है, फट से करो 33rd। हाँ बेटा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू खोल के क्यों लिखाऊँ मैं, उसमें कंडीशनल आइडेंटिटी लगेगी, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू कोई आइडेंटिटी होती नहीं है बेटा, अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो है तो हो जाएगी। अब देखो जैसे एक बार मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, पूरा पूरा लिखने की जगह पे सुनो 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 सुनो, अब वहाँ पे लेट ए बी ए बी बी ए सी बी ए वाली मेच्योरिटी अगर आ चुकी है तो डायरेक्टली बोल सकते हो सिंस ये ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो इम्प्लाइज न्यूमरेटर क्या हो जाएगा मेरा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू थ्री ए बी सी, और फिर इसको खोल दोगे वो विच इज थ्री ए प्लस बी ए माइनस बी बी प्लस सी बी माइनस सी सी प्लस ए सी माइनस ए वाला मत लिख, झापड़ मारूंगा तो घुमा के एक दिन, और इतनी जम के मारूंगा ना मैं तेरे को, सच बोल रहा हूँ तेरे को मैं, तू भी रोकड़े और तू भी अरफ, ठीक है ना। तुमको अगर सिर्फ कॉपी भरना है अपनी तो मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारे को आर डी शर्मा दे देता हूँ, उसको बस छाप लो और पास होकर दिखा दो, फिर ये हो जाएगा न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर भी वैसे ही करना पड़ेगा, फिर चीज़ें कटना शुरू होगी, तो काटना है करो खुद से एक बार, मैं बताओ तेरी गलती तेरा सही है। देख तूने यहाँ के आगे ये कैसे लिखी मुझे पता नहीं, तो खोलना खोलना तो एक बार खोल, हाँ थ्री थ्री कट गया, अच्छा हाँ हाँ बेटा वो नहीं, मेरे को लास्ट वाला दिखा दे, वो ठीक है, हाँ बेटा लास्ट वाला दिखा ये वाला, हाँ हाँ भागर तू पैसे लाया था ना बेटा किताब के, तो चेंज लाया ना एग्जैक्ट, हाँ तूने क्या 15 किताबें खरीदी थी क्या, ओ अच्छा हाँ बेटा हाँ ठीक है, हाँ 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 बेटा मेरे को मैसेज चला था ना, मेरे को याद नहीं रहेगा, अच्छा हाँ नहीं गाइस एक सेकंड, 33rd का 35th भी करना है आज, अबे ओए चुपचाप से करो, गाइस अब देखो 33rd का आप लोग प्लीज पहले करो इसको, कैजुअली मत लो, स्पेशली बीबीएम वाले तुम्हारी वर्कशीट से उठाया है ये वाला भी और ये वाला भी, प्लीज कैजुअली मत लो, 33rd पहले कंप्लीट करना है फिर 35th करना है, इसमें 33rd में वही सेम आइडेंटिटी लगना है बेटा, देखना ये ब्रैकेट प्लस ये ब्रैकेट प्लस ये ब्रैकेट जीरो ही हो रहा है तेरा, तो 3 × ब्रैकेट × ब्रैकेट × ब्रैकेट बन रहा है वो भी, मुझे नहीं पता निकला, मुझे नहीं समझ रहा, रुक जा
टेंथ वाली है। ये देख लीजिए गाइस, मैंने आप लोगों का 33rd का आंसर ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए आ रहा होगा। समझा ये चीज 33rd का? किसी का डिफरेंट है या किसी को नहीं समझा तो पूछ लो बेटा, प्लीज पूछ लो। ये पेपर में अगर आ गया, तुम लोगों ने को नहीं आया, 4 मार्क क्वेश्चन है। हाँ ये 4 मार्क क्वेश्चन है बेटा, मैं 2 मिनट दे रहा हूँ जिनको नहीं समझा है, और तभी साइमल्टेनस में 35th का एक हिंट दे रहा हूँ। तुम देखोगे LHS को ना तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब जैसा दिख रहा है वो, पर वो माइनस साइन को आप अंदर डाल सकते हो। सुनो, माइनस ए क्यूब कैन ऑल्सो बी रिटन माइनस ए का होल क्यूब। तो इसको आप लोग 8/15 का होल क्यूब प्लस ऑफ -1/3 का क्यूब प्लस ऑफ -1/5 का क्यूब जैसा कंसिडर कर लो दिमाग में। फिर वो ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट के लिए 0 आने ही वाली है, तुम निकालोगे LCM और करोगे वो 0 आ रही है। तो हेंस ये क्यूब प्लस ये क्यूब प्लस ये क्यूब इज गोइंग टू बी इक्वल टू 3 times पहला ब्रैकेट इंटू दूसरा ब्रैकेट इंटू तीसरा ब्रैकेट, उससे आंसर आ जाएगा दैट इज सपोज टू बी इक्वल टू x/75। तो उससे x की वैल्यू आ जाएगी। हाँ माइनस ए क्यूब इज माइनस ऑफ ए का होल क्यूब, बट माइनस ए स्क्वायर इज नॉट माइनस ए का होल स्क्वायर क्योंकि पॉजिटिव बना देता है। देख बच्चा, माइनस ए क्यूब माइनस ए का क्यूब हो सकता है माइनस इंटू माइनस माइनस, बट सुन ले माइनस ए स्क्वायर इज नेवर माइनस ए का होल स्क्वायर, ये चीज़ समझना है ठीक है ना। तो लकीली अपने वो क्यूब वाला चलो था अभी। तो अभी ये देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता था क्या, ये माइनस को अंदर डाल दिया ब्रैकेट के, माइनस को अंदर डाल दिया ब्रैकेट के, तो बाहर प्लस प्लस बचने वाले थे, तो वो बन गया पिछले आइडेंटिटी जैसा फॉर्मेट का। ख़त्म कर लो अब, आई थिंक 8 आ रही थी। यस तूने क्यूब क्यों निकाली होगी माँ, जब मैं समझा रहा था तो तेरे को मार्क्स नहीं मिलने वाले तरीके से। या फिर ठीक है LCM निकालना, निकाल रुके हम लोग अभी। अच्छा जब तक के हीर का LCM निकलेगा, कल की क्लास स्टार्ट होने आएगी ठीक है ना, तो कुछ खाने पीने के लिए लेके आ जाना हीर के लिए। वो इक्वल टू जीरो क्या हो रहा है वो समझो तो सही मेरी माँ, तो वो चीज़ लिखो, तो वो जो तुमने लिखा है क्यूब 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 क्यूब। अब गाइस ओए बैठ जा, गाइस हुआ क्या 33rd? अब 35th समझो प्लीज। ओ हीर माँ यहाँ देखो, अभी पहले देखो बच्चा लोग ये समझो, ए क्यूब का मतलब होता है ए इंटू ए इंटू ए, माइनस ए क्यूब का मतलब माइनस ऑफ ए इंटू ए हो रहा था, बट मैं इसको माइनस ए का होल क्यूब जैसा भी लिख सकता हूँ। क्यों सर? देखो माइनस ए इंटू माइनस ए जब रहेगा, एक माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाएगा और एक ही माइनस बचेगा, तो उस कारण से ए क्यूब माइनस ए क्यूब को माइनस ए का होल क्यूब भी लिख सकते हैं, बट आई कैन नॉट डू दैट विथ ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर, दैट इज नॉट इक्वल टू माइनस ए का होल स्क्वायर, ये गलत है ठीक है ना। तो देखो पहले तो जो माइनस की साइन है जो थी उसको ब्रैकेट के अंदर डालना शुरू किया मैंने, क्यूब तो दिखेगा आप लोगों को 8/15 का क्यूब प्लस -1/3 का क्यूब प्लस -1/5 का क्यूब। अब देखो आपने चेक किया 8/15 प्लस -1/3 प्लस -1/5, LCM से अगर अपन ने लिया तो 8-5 -3/15 विच इज़ 0, सिंस ये 0 आ गया है तो इनके क्यूब्स का सम, ये प्लस -1/3 का क्यूब प्लस -1/5 का क्यूब इज इक्वल टू 3, पहला ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट तीसरा ब्रैकेट होना चाहिए था। अब देखो क्या अपना कट रहा है, ये और ये कट रहा है अपना, तो आंसर 8/75 आ रहा है, बट मुझे क्वेश्चन में x/75 दिया गया है, रिप्लाइज x की वैल्यू 8 हो जा रही है।
करना दिखा देखा कहाँ है छापा वो तो पूछो कहाँ से छापा देखा हाँ तो कर खुद से गलत किया लेकिन खुद से किया कॉन्फिडेंस अलग है अपना मेरे को मैसेज करता मैं भेज दूंगा।